सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में और स्टूडियो आपके लिए लेके आए हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा विभाग के डायरेक्टरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड एस्टेट मैनेजमेंट में जो वैकेंसी आई है टेक्नीशियन की, यूडीसी की, साइंटिफिक असिस्टेंट की, सिक्योरिटी ऑफिसर की और ड्राइवर की, उन वैकेंसीज की फुल डिटेल्स। तो इसकी लास्ट डेट है वो 4 जून 2018 है और एडवर्टाइजमेंट नंबर है DCSEM/1/2018। चलिए देख लेते हैं इसकी फुल डिटेल्स। तो इसमें पहली पोस्ट है वो वैज्ञानिक सहायक यानी साइंटिफिक असिस्टेंट भी सिविल की है। इसकी वैकेंसी है 3। इसके लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंकों के साथ डिप्लोमा होना चाहिए जो कि 10th के बाद हो 3 साल का या फिर 12th के बाद हो 2 साल का। इलेक्ट्रिकल के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसी हैं। इसके लिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ डिप्लोमा हो 10th के बाद 3 साल का या HSC के बाद 2 साल का यानी 12th के बाद 2 साल का। मैकेनिकल के लिए भी 2 वैकेंसी हैं। इसके लिए मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी 2 वैकेंसी हैं। इसके लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का अगर 10th के बाद किया है और 12th के बाद हो तो 2 साल का हो। अब इसमें रिजर्वेशन देख लेते हैं तो एस 2 वैकेंसी हैं, OBC के एक है और सामान्य की है 6। वही बात करें हम टेक्नीशियन की तो टेक्नीशियन प्लम्बिंग के लिए 3 वैकेंसी है जिसमें 1 विकलांग के लिए आरक्षित है। इसके लिए आप 10th या 12th पास हो कम से कम 60% अंकों के साथ और प्लम्बिंग ट्रेड में आपने SCVT या NCVT से 1 साल की अवधि का कम से कम 1 साल का प्लम्बिंग ट्रेड का ITI कोर्स किया हो। इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड भी कारपेंटर में 3 वैकेंसी है, इसमें भी 1 वैकेंसी विकलांग के लिए आरक्षित है। इसके लिए भी 10th या 12th पास हो कम से कम 60% अंकों के साथ और आपने कारपेंटरी में ITI कर रखा हो। टेक्नीशियन ग्रेड भी इलेक्ट्रिकल के लिए 5 वैकेंसी है जिसमें 1 हियरिंग हैंडीकैप के लिए आरक्षित है। इसके लिए आप 10th या 12th पास हो 60% अंकों के साथ और आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड में कम से कम 1 साल का इलेक्ट्रिकल में ITI कर रखा हो। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग सहायक यानी CO पाक की जो वैकेंसी है उसके लिए आप 10th या 12th पास हो और 60% अंकों के साथ और कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड में NCVT/SCVT से कम से कम 1 साल का आपने ITI कोर्स कर रखा हो। टेक्नीशियन ग्रेड भी सूचना एवं प्रेषण तकनीकी प्रणाली अनुरक्षण यानी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस में आपने कर रखा हो ITI और 60% अंकों के साथ आप 10th या 12th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए आपने ड्राफ्टमैन सिविल में ITI कर रखा हो और 10th या 12th आप पास हो 60% अंकों के साथ, इसके लिए 1 वैकेंसी है। टेक्नीशियन ग्रेड बी की भी 1 वैकेंसी है और टेक्नीशियन बी COPN कोपा की भी 1 वैकेंसी है। अब इसमें आरक्षण हम देख लेते हैं तो इसमें OBC की 8 वैकेंसी हैं और सामान्य की हैं 6 इन टोटल वैकेंसीज में से। अब हम आगे बात करेंगे सहायक स्वच्छता अधिकारी ग्रेड ए की, इसकी 5 वैकेंसी हैं, 5 अनरिजर्व हैं। इसके लिए आप भूतपूर्व सैनिक हो, भूतपूर्व पुलिस या भूतपूर्व केंद्रीय अर्धसैनिक कार्मिक आप होने चाहिए। इसके लिए आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम आप स्नातक होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए और जूनियर कमीशन ऑफिसर या इसके इक्विवेलेंट आपकी पोस्ट रही हो जब आप सर्विस में हो या फिर नॉन कमीशन ऑफिसर और या फिर इसके इक्विवेलेंट कम से कम 5 साल का अनुभव हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। और अगर आप इससे हायर पोस्ट पर रहे हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। न्यूनतम ऊंचाई की अगर हम बात करें तो सामान्य के लिए 167 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों एवं गोरखा, डोगरा, मराठी, जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी, लेह लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम के उम्मीदवारों के लिए 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, 155 फीमेल के लिए और ST कैंडिडेट्स के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 154। चेस्ट की अगर हम बात करें पुरुषों के लिए तो सामान्य के लिए 80 सेंटीमीटर बिना फैली हुई और 85 सेंटीमीटर फुलाकर। वहीं बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जिनके बारे में हमने बताया जो पहाड़ी क्षेत्र के कैंडिडेट्स हैं और इसके अलावा जो सिक्किम के पूर्वोत्तर राज्यों के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुलाकर। वहीं ST कैंडिडेट्स के लिए 77 बिना फुलाए और 82 इंची फुलाकर। NCC सीट सर्टिफिकेट और राज्य स्तर के खेल प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवारों को परीक्षा दी जाएगी। अब बात करें UDC की तो इसमें 6 वैकेंसी है, 3 OBC की, 3 जनरल की। इसके लिए आप कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट होनी चाहिए, साथ को कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग का ज्ञान भी होना अनिवार्य है। अब बात करें ड्राइवर की, सामान्य ग्रेड की 2 वैकेंसी जो अनारक्षित है, इसमें 10th क्लास आप पास हो और आपके पास लाइट या हैवी व्हीकल चलाने का वेट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपको मोटर मैकेनिक का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए जो कि आप छोटी मोटी खराबियों को ठीक करने में सक्षम हो और हल्के भारी वाहन चलाने में कम से कम 3 साल का आपको इंटीग्रेटेड अनुभव होना चाहिए। वांछनीय योग्यता है कि आपके पास दोपहिया वाहन चलाने का भी वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, यानी मोटरसाइकिल चलाने का भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो प्रायोरिटी दी जाएगी। अब यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि जो कैंडिडेट्स हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं यानी जो पहले से निर्धारित योग्यता से अधिक अर्हता प्राप्त हैं वो ये करने वाले हैं वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रमोशन तब तक नहीं किया जाएगा जिस डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए 6 साल मिनिमम, BE, BTEC, AME, MSc कैंडिडेट्स को 8 साल और ME, MTEC, PhD कैंडिडेट्स को 10 साल तक प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप ये ना समझें कि सरकार आपको प्रायोरिटी देगी, जिन न्यूनतम साल जो हैं वर्ष हैं
वो आपको पूरे करने होंगे। अब बात कर लेते हैं पे की, तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी का लेवल 6 में 35,400 वाले में और न्यूनतम आयु 18 से 30 साल है। टेक्नीशियन ग्रेड बी के लिए लेवल 3 में यानी 21,700 वाले में 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और ओबीसी के लिए 28 साल। सहायक स्वच्छता अधिकारी ए के लिए यानी सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 35,400 वाले ग्रेड में है, 28-27 साल मांगी गई है। और जो यूडीसी है उसके लिए 28-27 साल, ओबीसी के लिए 30 साल और ड्राइवर के लिए 28-27 साल। जो कैंडिडेट्स एससी एसटी ओबीसी के हैं और वो सामान्य की जो वैकेंसी आई हुई है उनके अंतर्गत आवेदन करते हैं तो उन्हें अपर एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। और जो पोस्ट रिजर्व कैटेगरी के हैं उसके लिए एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी को 3 साल की दी जाएगी और विकलांग कैंडिडेट्स को दी जाएगी 10 साल की। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपका जो चयन है वो व्यक्तिगत साक्षात्कार पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू होगा। जो टेक्नीशियन बी की वैकेंसी है उसके लिए आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी गणित विज्ञान और सामान्य ज्ञान की, उसके बाद आपकी प्रगत परीक्षा होगी यानी कौशल संबंधी 50 बहुविकल्पीय प्रश्नयुक्त आपका पेपर आएगा जिसकी आपकी प्रोफेशनल नॉलेज को परखा जाएगा। और तीसरी होगी ट्रेड टेस्ट जो कि लेवल 2 में जो क्वालिफाई होंगे यानी जो अपने आईटी से संबंधित जो आपका आएगा कौशल संबंधित उसमें जो पास होंगे उनको ट्रेड टेस्ट दिया जाएगा। वहीं 11वीं जो है यानी सिक्योरिटी ऑफिसर की, उसके लिए 1600 मीटर की दौड़ पुरुषों को करनी होगी 6 मिनट 30 सेकंड में और लंबी कूद करनी होगी 3.65 मीटर। आपको चिनअप्स करने होंगे 30 साल की उम्र तक 8 से 9, 30 से 40 साल की एज तक 5 से 6 और 40 से 45 साल की उम्र तक आपको पुशअप्स करने होंगे 16-17, 45 से ऊपर जब होंगे तो 12-13। सेटअप्स की हम बात करें 30 साल की उम्र तक 25 से 29, 30 से 40 20 से 24, 40 से 45 वर्ष वालों को 15 से 19, 45 साल से ऊपर वालों को 10 से 15। महिलाओं की अगर हम बात करें तो आपको 800 मीटर की दौड़ करनी होगी 4 मिनट में और लंबी कूद करनी होगी आपकी 2.7 मीटर यानी 9 फीट की। सेटअप्स की अगर हम बात करें 30 साल की उम्र तक 20 करनी होगी आपको सेटअप, 30 से 40 वर्ष तक 15, 40 से 45 वर्ष तक 12 और 45 वर्ष से ऊपर 10। सहायक शिक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाएंगे जो फिजिकल टेस्ट में जो कैंडिडेट्स उत्तीर्ण हो जाएंगे उनकी 90 मिनट की 75 अंक की लिखित परीक्षा होगी जिसमें आपके कंसेप्ट की 25 क्वेश्चन होंगे, रिपोर्ट लेखन के 25 अंक दिए जाएंगे आपको और एनालिटिक्स के जिसमें मैथ और सामान्य ज्ञान होगा उसके 25 अंक होंगे। वही 12वीं जो पोस्ट है यूडीसी की, उसके लिए पहले लेवल 1 होगा जिसमें 4 सेक्शन आएंगे पेपर में, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि और तर्क ज्ञान और क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी अंकगणित। वहीं लेवल 2 जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज और कंसेप्ट का होगा जो विवरणात्मक लिखित परीक्षा होगी। स्तर 1 की जो परीक्षा है उनको ही जो क्वालिफाई कर लेंगे कैंडिडेट्स उनको ही मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और सिलेक्शन जो होगा वो लेवल 2 के बेस पर होगा। 13वीं पोस्ट है ड्राइवर की, उसके लिए पहले लेवल 1 में लिखित परीक्षा होगी इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, अंकगणित, मोटर वाहन अधिनियम इसका पेपर आएगा और सेकंड लेवल पर होगी ड्राइविंग टेस्ट। अब यह एक बात गौर करने वाली है कि जो साइंटिफिक असिस्टेंट की है यानी डिप्लोमा इंजीनियर की जो वैकेंसी है उसके लिए अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होता है तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जा सकता है, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट के नंबर फाइनल मेरिट पर नहीं जुड़ेंगे, फाइनल मेरिट जो बनेगी इंटरव्यू के बेस पर ही बनेगी। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की, तो वैज्ञानिक सहायक 1 से 4 पोस्ट जो है उसके लिए 150 रुपये, टेक्नीशियन बी के लिए 100 रुपये, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 150 रुपये, यूडीसी के लिए 100 रुपये और ड्राइवर के लिए 100 रुपये। एससी एसटी कैंडिडेट्स, महिला उम्मीदवार, भूतपूर्व सैनिक और विकलांग व्यक्तियों को फीस से छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने की, तो फॉर्म 5 मई 2018 से लेकर 4 जून 2018 तक भरे जाएंगे। इसके लिए आप वेबसाइट www.dcsem.gov.in पे जाके वहां से आवेदन कर सकते हैं या फिर https://dcsem.mahaonline.gov.in पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। आपके पास एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए और आप एक पद के लिए एक ही आवेदन प्रस्तुत करेंगे, एक से अधिक पद हेतु भरना चाहते हैं तो प्रत्येक के लिए अलग अलग आवेदन करेंगे, अलग अलग परीक्षा शुल्क भरेंगे। और जब आपको सिलेक्शन टेस्ट के लिए, रिटन टेस्ट के लिए, कौशल ट्रेड के लिए के लिए बुलाया जाएगा तो आप पहचान के लिए एक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल लाएंगे और जो एडवर्टाइजमेंट मेंशन है सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति और अटेस्टेड कॉपी आप लाएंगे। साथ ही आप ऑनलाइन आवेदन की कॉपी लाएंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेके जानी और एडमिट कार्ड की कॉपी लेके जानी। और जो कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट में, पीएसयू में, स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं वो ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो वो एनओसी उनको प्रस्तुत करना होगा। और एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स को आवेदन में इसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि वो किस कैटेगरी के हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी की पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तब भी आपको ये मेंशन करना होगा। और जो कैंडिडेट्स ट्रेड टेस्ट के लिए, रिटन टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए आएंगे उनको अपने समस्त शैक्षिक और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसके अलावा डेट का सर्टिफिकेट यानी जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है या स्कूल की टीसी है या नगर पालिका से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र है आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एससी एसटी का सर्टिफिकेट और ओबीसी का सर्टिफिकेट, आप अगर ओबीसी कैटेगरी एससी एसटी से हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो रक्षा सेवा से सेवा मुक्ति का प्रमाण पत्र, इसके अलावा अगर आप एज में छूट का दावा कर रहे हैं तो 1984 दंगों से प्रभावित होने का दावा करने वाले
वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, आपको वेबसाइट का नाम बता चुके हैं। आप जो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे वो 50 KB का होना चाहिए और साइन जो है वो 20 KB का होना चाहिए। और जो फीस का पेमेंट है वो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वैकेंसी लाते रहेंगे। धन्यवाद।